हरियाणा में कोरोना के खिलाफ जंग की दिशा और लॉकडाउन हटेगा या बढ़ेगा ये तय होगा तबलीगी जमातियों की टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद। हरियाणा में अब तक 1526 तबलीगी जमात के लोग मिले हैं। इन जमातियों में से 900 के कोरोना टेस्ट सरकार करा चुकी है और बाकी 650 जमातियों के टेस्ट करवाए जा रहे हैं। इन 650 जमातियों की रिपोर्ट अगले 2 से 3 दिन में आने की संभावना है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट के बाद हालात को ध्यान में रखकर ही हरियाणा सरकार तय करेगी कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए या नहीं। हरियाणा में एक दिन पहले ही 23 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 22 तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं। इसके अलावा फरीदाबाद की एक नर्स को इलाज करते हुए कोरोना हुआ है। हरियाणा में रहने वाले मूल निवासी प्रदेश में से किसी को भी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ, जिसका मतलब साफ है कि राज्य में स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन तबलीगी जमात के लोगों ने हरियाणा की स्थिति को खराब कर दिया है। एक दो दिन में तबलीगी जमातियों की रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा कि 1526 जमातियों में से कितने कोरोना पॉजिटिव हैं। हरियाणा सरकार के अनुसार नूह जिले में सबसे ज्यादा 678 तबलीगी जमाती हैं। यमुनानगर में 231, फरीदाबाद में 136, पंचकुला में 117 और पानीपत में 94 तबलीगी जमाती मिले हैं। इन सभी को उनके जिलों में ही क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई है। बाकी जिलों में कुछ ही जमाती हैं जिन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। हरियाणा में 143 कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे, जिनमें से करीब 110 का अभी इलाज चल रहा है और 31 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। हरियाणा में तबलीगी जमात से जुड़े करीब 80 लोगों में कोरोना पाया गया है, जिससे हरियाणा में कोरोना मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। इन जमातियों के केस को हटा दिया जाए तो राज्य में सिर्फ 22 पॉजिटिव केस ही हैं। इनके ठीक होने की दर भी अच्छी है। मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली दवाई से उनका इलाज चल रहा है। यदि जमाती हरियाणा में नहीं आते तो कोरोना की स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता था। Thank you.